नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर हैदराबाद एफसी वर्सेस मुंबई सिटी एफसी। आईएसएल का ये मैच 20 दिसंबर को शाम में 5 बजे से है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मुंबई सिटी टेबल टॉपर्स हैं, 6 गेम खेली है अब तक और 13 पॉइंट्स पर हैं। हैदराबाद एफसी 6th पोजीशन पर है 5 गेम में 9 पॉइंट्स के साथ। बट दोस्तों, दे आर वन ऑफ द टू टीम्स इन द लीग सो फार जो एक भी गेम नहीं हारी है। 5 गेम जो खेली है उसमें से 2 जीती है और 3 गेम इन्होंने ड्रॉ करी है, जबकि मुंबई ने जो 6 खेली है उसमें से 4 जीतकर एक ड्रॉ करी है और 1 गेम में हारे हैं। काफी मजेदार इनकाउंटर होगा दोस्तों ये, बिकॉज इस पर्टिकुलर गेम में ऐसा शायद हो सकता है कि हैदराबाद को अपनी फर्स्ट डिफीट ऑफ द सीजन टेस्ट करनी पड़े, या क्या ऐसा होगा कि मुंबई के लिए एक और ड्रॉ के लिए सेटल करना पड़ेगा। दोनों टीम्स की पिछले 5 गेम की परफॉर्मेंस देखो आप तो दोस्तों, यू कैन सी हैदराबाद एक भी नहीं हारा है। जैसे हमने पहले भी कहा था, 3 गेम ये लगातार ड्रॉ करे थे और पिछले गेम में ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट 3-2 से बहुत ही उम्दा विक्ट्री पाई थी। मुंबई सिटी एफसी की बात करें तो अपनी ओपनिंग गेम जो हारे थे ये काफी शॉकर थी, वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के बाद अगेंस्ट, उसके बाद लगातार 4 गेम जीते थे और पिछली गेम में जमशेदपुर के अगेंस्ट ड्रॉ कर गए थे। कुल मिलाकर इन 5 गेम में इन्होंने 9 गोल स्कोर करे हैं, जबकि हैदराबाद ने अपने लास्ट 5 गेम में 6 गोल स्कोर करे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, मुंबई सिटी विल बी द फेवरेट ऑन पेपर बिकॉज उनका रिकॉर्ड भी अब तक सही रहा है, बट हम जिस तरीके से हमारी टीम सेटअप करेंगे, हम मोस्टली एक लो स्कोरिंग वन ऑल ड्रॉ काइंड ऑफ एन एनकाउंटर के लिए ही जाएंगे। कुछ की स्टैट्स की बात करें तो दोनों टीम अब तक 2 बार खेली है, जिसमें से मुंबई 1 बार जीती है, 1 गेम ड्रॉ हुई है। हैदराबाद इज अनडिफीटेड इन द लास्ट 7 ISL मैचेस, जैसे अपने पहले भी देखा था इस सीजन के 5 और उसके पहले के 2। एंड मुंबई का अवे फॉर्म थोड़ा सा चिंताजनक है, पिछले 5 अवे मैचेस में से केवल ये 1 में जीते हैं। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये टूर्नामेंट पूरी गोवा में हो रही है तो क्या होम क्या अवे, बट फॉर ऑल दोस हु लव स्टैट्स, इस पर्टिकुलर गेम में मुंबई इज डेजिग्नेटेड एज द अवे टीम। और अगर आपको ये स्टैट को भी फॉलो करना है तो मे बी दैट ओनली एड्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिजल्ट that we are gunning for, which is one all draw। तो दोस्तों, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री चैनल है, आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अलॉन्ग विद आवर कैप्टनशिप पिक, वाइस कैप्टनशिप पिक एंड आवर फाइनल 11। नॉट जस्ट ये गेम के लिए, बट ऐसी कई सारी गेम्स होती है दोस्तों जिसका हम फुटबॉल का या क्रिकेट का वीडियो प्रीव्यू नहीं बनाते हैं, बट हमारी चैनल पे हम सब कुछ कवर करते हैं। आपको वो FSP शेड्यूल में भी दिख जाएगा, जहां पे हम डिटेल आउट कर देते हैं कि कौन सी गेम्स हम कवर कर रहे हैं। उसको देख के आपका फायदा अगर हो सके तो मोर देन हैप्पी कि आपकी नॉलेज आपकी पढ़ाई में हम कंट्रीब्यूट कर पाए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज इन लाइक्स और सब्सक्रिप्शन से हमें काफी मोटिवेशन मिल जाती है। एक्सपेक्टेड 11 की बात करें तो वैसे कोई सरप्राइज होंगे नहीं। मुंबई सिटी एफसी के लिए एक टेंशन जरूर होगी, दे आर नॉट श्योर वेदर बूमास विल बी फिट टू प्ले इन दिस गेम और नॉट, तो ये एक थोड़ी सी चीज जरूर देखने लायक बनेगी। बात करते हैं की प्लेयर्स की, हैदराबाद की तरफ से एडिडेन सांताना टॉप पिक, टॉप प्लेयर, 4 गेम्स 4 गोल्स, अ मस्ट हैव पिक फॉर टुडे। याओ विक्टर हैज स्कोर्ड 1 गोल, नार्जरी ने काफी अच्छा खेला था दोस्तों, इसका भी 1 गोल है। कुलाको काफी अच्छे थे लास्ट गेम में, स्पेशली ही इज गॉट 2 असिस्ट सो फार, यासिर हैज गॉट 1 असिस्ट। मुंबई की बात करें तो लफोंडर इज देयर टॉप स्ट्राइकर, ही इज गॉट 4 गोल्स, हरनान्स गॉट 2 गोल्स, और बेचे दोस्तों जो नाइजीरियन स्ट्राइकर हैं बड़ी यूरोपियन लीग में भी खेल चुके हैं, ही इज गॉट 2 गोल सो फार। रोमिलो बोर्जेस हैज गॉट 1 गोल, बूमास हैज गॉट 4 असिस्ट। जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर बूमास इस गेम में नहीं खेलते हैं तो मुंबई सिटी एफसी के लिए थोड़ी सी चिंता जरूर हो सकती है, बट आई एम श्योर the squad is strong enough to make up for Bumas's absence. Let's see कैसे किस तरीके से teams बन पाती है। So, जैसे Dream 11 team की बात करें तो हमने क्या किया, up front we've taken Santana and Lafondre, दोनों ही बहुत कड़क pick हैं, worthy captaincy vice captaincy pick for this particular encounter. Midfield में हमने Bumas, Jahu और Borges, इन तीनों को लिया हुआ है। यदि Bumas नहीं खेलते हैं तो then definitely we'll have to make some tweaks to our team, some changes, और इसीलिए इस particular game के लिए हमारी Telegram channel आप जरूर check कीजिएगा। Deadline से 15 minutes पहले आपको हमारी final टीम मिल जाएगी, बिकॉज लाइनअप में अगर कुछ चेंजेस होता है तो हमारा फॉर्मेशन भी जरूर चेंज हो सकता है। बूमास एंड बोर्जेस अदरवाइज आर गुड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर गेम। डिफेंस हमने क्या किया, वी गॉन विद अ 5-मैन डिफेंस अलोंग विद अ कीपर, सो बेसिकली दोनों टीम्स के हमने 3-3 कीपर पिक कर लिए हैं। ऐसा हो भी सकता है कि दोनों टीम्स फेल कर जाएं स्कोर करने से, तो निल निल वाली काइंड ऑफ एन एनकाउंटर होगी, तो वहां पे फॉल को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी देना भी आपके लिए एक फायदेमंद वाला डिसीजन हो सकता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वील वेट फॉर द लाइनअप टू कम, उसके बाद हमारी जो एक्सपेक्टेड स्कोर लाइन होगी हम या हम जिस तरीके से हमारी टीम सेटअप कर रहे हैं वो पूरा एनालिसिस हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, तो वो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। याद रहे दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स को हमेशा फन के लिए खेलिए, रिस्पॉन्सिबली खेलिए, अंधाधुन मत खेलिएगा, बिकॉज इसमें फाइनेंशियल रिस्क भी होती है। जितनी अपनी रिस्क एपेटाइट हो उसके अकॉर्डिंगली आप खेलिया कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपसे कई और क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल गेम्स की एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।